आदरणीय सभापति जी, जब देश विकसित होता है तब कोटि कोटि जनों के सपने पूरे होते हैं। देश जब विकसित होता है तब कोटि कोटि जनों के संकल्प सिद्ध होते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब देश विकसित होता है तब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव उनके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत का सीधा सीधा लाभ हमारे देश के नागरिकों की गरिमा, हमारे देश के नागरिकों के क्वालिटी ऑफ लाइफ का सुधार, ये स्वाभाविक हमें विकसित भारत होने से देश के कोटि कोटि जनों के भाग्य में आता है। आजादी के बाद मेरा देश का सामान्य नागरिक इन चीजों के लिए तरसता रहा है। आदरणीय सभापति जी, जब विकसित भारत होता है तब हमारे गांव की स्थिति, हमारे शहरों की स्थिति, उसमें भी बहुत बड़ा सुधार होता है। गांव के जीवन में गौरव भी होता है, गरिमा भी होती है और विकास के नए नए अवसर भी होते हैं। हमारे शहरों का विकास भी एक अवसर के रूप में विकसित भारत में उभरता है, तब दुनिया की विकास यात्रा में भारत के शहर भी बराबरी करेंगे, ये हमारा सपना है। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत का मतलब होता है कोटि कोटि नागरिकों को कोटि कोटि अवसर उपलब्ध होते हैं, अनेक अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं और वो अपने कौशल, अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार विकास की नई सीमाओं को प्राप्त कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, मैं आज आपके माध्यम से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, कि विकसित भारत के जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम बरसक प्रयास करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे और हमारा समय का पल पल और हमारे शरीर का कण कण हम देशवासियों को विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लगाएंगे। हमने देश की जनता को कहा था 24/7 फॉर 2047। आज मैं इस सदन में ही दोहराता हूं कि हम उस काम को अवश्य पूरा करेंगे।